रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को अब लगभग 2 साल होने वाले हैं और अब तक कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला है। इस बीच फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन के हालात बद से बदतर होते दिख रहे हैं। रूस से लोहा लेते लेते यूक्रेन के गोला बारूद का स्टॉक खाली हो गया है। बारूद और सैनिकों की कमी की वजह से यूक्रेन रूस के खिलाफ मोर्चे पर बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अब जेलेंस्की के पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। दरअसल यूक्रेन को अमेरिका और नेटो देशों से मिले हथियार अब खत्म होने के कगार पर है। इसे लेकर यूक्रेन ने एक लिस्ट जारी कर पश्चिमी देशों से नए हथियार और गोला बारूद मांगे हैं, लेकिन जेलेंस्की के मददगारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जहां अमेरिका की ओर से गोला बारूदों और हथियारों की नई खेप का रास्ता अब तक साफ नहीं हुआ है, जिससे जेलेंस्की की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है, वहीं बची खुची कसर यूरोपीय संघ ने खत्म कर दी, जो यूक्रेन को किए अपने वादों को पूरा करने में असमर्थ दिख रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन पश्चिमी कैलिबर तोपखाने गोला बारूद की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। आउटलेट ने यूक्रेनी रक्षा मंत्री का यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ को लिखे पत्र का हवाला देते हुए बताया कि यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने अफसोस जताया कि कमी दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। पुरानी कहावत है कि जिस पक्ष के पास लड़ने के लिए सबसे अधिक गोला बारूद होता है वो आमतौर पर जीतता है। यूक्रेन के लिए पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण दैनिक न्यूनतम आवश्यकता प्रतिदिन 6000 गोले थी, मगर यूक्रेनी सेना इसमें से लगभग एक तिहाई फायर करने में सक्षम है। ऐसा माना जा रहा है कि हथियारों और गोला बारूदों के बिना रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा यूक्रेन लाचार होता नजर आ रहा है। अब तक रूस को कड़ी चुनौती दे रहे जेलेंस्की के लिए ये बड़े खतरे का संकेत है। यही नतीजा है कि फ्रंट लाइन पर ही जवानों का जोश फीका पड़ रहा है। इस समय यूक्रेन को बड़े स्तर पर हथियारों की जरूरत है, खासकर जमीनी जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को अच्छी आर्टिलरी की निहायत जरूरत है। हथियारों की कमी होने से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की चिंताएं बढ़ गई हैं। बिना हथियारों के युद्ध लड़ सकना यूक्रेन के लिए संभव नहीं है। अब तक यूक्रेन ये युद्ध अमेरिका और उसके सहयोगियों के दम पर ही लड़ रहा था, लेकिन अब ये लड़ाई मुश्किल होती दिख रही है। इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष ने भी यूक्रेन के लिए मुश्किल हालात बना दिए हैं। रूस के खिलाफ अगर जंग में टिके रहना है तो यूक्रेन के गोला बारूद की जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि 2 साल पूरे होने से पहले ही युद्ध किसी मोड़ पर खत्म हो सकता है। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि अब यूक्रेन को पुतिन से बचाने के लिए नेटो देश हथियार सप्लाई करते हैं या जेलेंस्की को घुटने टेकने पड़ेंगे।